ओ भाई ओ भाई साहब तो बहुत रिस्की मामला हो गया। स्कूटी पे चार एक्टिवा का सही इस्तेमाल इन्होंने करा है। ये अंकल जाते आते मच्छर मारने वाली दवाई छोड़ के जा रहे हैं। यहीं से अंदर। अरे हाँ बढ़िया पार्किंग है यहाँ पे। थीम बना रखी है पूरी। ये हमारे पीछे चौकी थाने की एंट्रेंस है। यहाँ पे पूरा राजस्थानी कल्चर देखने को मिलेगा। एक बार पहले आ चुके हैं हम, अब दोबारा देख के आते हैं क्या क्या कैसे कैसे है, कितना चेंज हुआ है। 3 साल तो हो गया ऑलमोस्ट। हाँ 3 साल हो गए। 3 साल हो गए पूरे। वो गाना गा रहा वहाँ बैठ के ढोल बजा। पहले क्या, क्या बोलते हैं इसको, मुझे इन्हीं से पूछ के बताएंगे। चलो एक महाराजा वाली फील नहीं आ रही अंदर घुसते हुए। स्वागत में गाना बज रहा है। यहाँ पे राम राम स्वागत है, ये कोड वर्ड है ना। पैसे दो भाई, पैसे दो जेब ढीली करो। क्या चीज है, क्या बोलते हैं इसको, इसको नगाड़ा बोलते हैं। नगाड़ा नगाड़ा इनकी थीम बढ़िया है यहाँ पे। पूरा पूरा राजस्थान। राम राम सा, एक बार दोबारा बोल दो भैया। राम राम सा, राम राम सा, राम राम। यहाँ के टिकट 800 पर पर्सन है, वेज के लिए, नॉन वेज के लिए 1350। और घुसते यहाँ पे पानी और जलजीरा वगैरह दिया जाता है, पानी पी लिया और जलजीरा पी रहे हैं। सही है, ओके ओके है। और आपके जो पर्ची मिलती है ना टिकट वाली, उस पर लिखा होता है आपका टाइम डिनर का, किस टाइम पर आपको डिनर प्रोवाइड करेंगे। अभी हमारी एंट्री है शुरू होने वाली, पर पहले थोड़ा तो घूम के जाएंगे। और इस बार तो काफ़ी कम भीड़ है, पिछली बार तो मैं टिकट लेने में आधा घंटा लग गया था, बस 5 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। फिलहाल आप घूमते हैं। भाइयों बहुत ऊंचाई पे आ गए हम। कैसे सऊदी वाले घूमते हैं ऊंट पे, कमर में दर्द नहीं होता क्या उनकी? अरे बहुत ऊंचाई से दिख रहा है मुझे। ओहो मैं क्यों आया इतने ऊपर, मुझे उतारो। मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा, मैं टेढ़ा होके बैठा हुआ हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है भाई एक हाथ पकड़ रखा है। मैं दो बार नहीं, एक ही बार बैठूंगा बस। अब मैं नीचे उतर के मिलता हूँ तुमसे। इसे बंद करिए भाई। अबे बंद कर दे। पकड़ के बैठ जा। गिर जाऊंगा। पर ये सही है यार, कैमल राइड सारी चीज़ें सस्ती सस्ती हैं। 20 रुपीज़ पर हेड है। हॉर्स राइड कर लो, कैमल राइड कर लो। पैर तो डालने दो, बता लो बता लो। कुछ नहीं है, थोड़ा सही है ले ले। ये घोड़े की और कैमल की राइडिंग की मजा आ गया। काफी चीजें हैं यहाँ पे करने को, डांस भी हो रहा है। अभी सुने कि एलिफेंट की राइड है, वहां भी करके आते हैं। We'll be right back.
एक बार में मिलेगी। गिरा दी हमारा दिल रखने के लिए। चालू भैया। भाई तीन गिरी हैं। तुम भी डालो भाई। मैं दोबारा साइड में कोई जरूरत नहीं है। मार मार अच्छे। ओए यार हो गया तीन। अच्छा तीन हो गया अभी। अब हो गए तीन। चले मेरी ओ भाई भाई इतना भी भारी नहीं है। एक और स्टेप। ये बात। ये भाई ऊंट से भी ऊपर आ गए हैं। अब हम हाथी पे आ गए हैं। पहले ऊंट फिर घोड़ा आज हाथी फिर बैल। सब कुछ ही घूम लिया हमने एक दिन में। देखो कोई सांप आपकी सवारी हो तो। सांप की सवारी इधर है। सांप की भी है। हाँ नागिन है। यही करेगा। चलो मसक्कली। मसक्कली। हाँ मसक्कली है सर। वो है स्नेक भी है। स्नेक की सवारी भी है। स्नेक शो है भाई। अच्छा, शो है। स्नेक भी आ रखे हैं सामने। उधर होना थोड़ा सा। हाँ स्नेक गर्ल शो। स्नेक गर्ल शो। नागिन है। नागिन भी है। नाग भी है। नाग भी है साथ में भाई। नाग भी है। नागिन क्या चीज है इनकी? बाजरे की रोटी है चटनी। अच्छा बाजरे की रोटी और चटनी। आओ बड़ी गर्मी में बैठे हो आप। ये तो हवा नहीं आ रही। एक रह गए सिर्फ। चल चल के थक गए यार। धीरे जूम में आते हैं ना। इतना चल गए हैं। अब हम लाइन में बैठे हुए हैं। खाना खाने जाएंगे भाई। भूख लगी है बहुत। तेज भूख लगी है भाई। अंदर हॉल तो काफ़ी सही सा दिख रहा है। बहुत अच्छा है। पर अभी वेटिंग चल रही है। करते हैं इंतज़ार। सफ़र का फल मीठा होता है। बस ज़्यादा मीठा खाना ना मिल जाए। तो गाइस हम अंदर आके बैठ गए हैं। बिल्कुल जमीन पे बैठ के खाना मिला जो राजस्थान स्टाइल में पहले मिलता था। पिछले बार पत्थर वत्तर मिला था। नीचे मिला था ये नहीं। हाँ अब इस बार थोड़ा सा ऊपर आ गए हम। पत्थर मिलेंगे अभी। देखो हमें सामने बड़े फेमस लोग हैं जो सामने बैठे हैं। इंस्टाग्राम सेंसेशन है। जाते हुए मिल के जाएंगे इनसे। जाते मिलेंगे। खाना खाएंगे। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। क्या चीज़ है भैया? मिर्च अचार स्प्राउट लोबिया। रोटियां बिल्कुल हिसाब से दिए ताकि पिरामिड बना के खड़े करते रहो इसके ऊपर एक ऊपर एक ऊपर एक। हैं इतनी बड़ी बड़ी रोटियां कैसे खाओगे भाई? देखो कोशिश करते हैं। खा पाए नहीं खा पाए। खा पाएंगे खा पाएंगे। पर जिस हिसाब से मेरे को लग रहा नहीं खा पाएंगे भाई। प्लेट देख रहा है भाई पूरी भर जाएगी। सबसे ज़्यादा घी डाल रहे हो? घी ओ भाई घी में तरा दी इन्होंने तो। दिल खाओगे घी डालता है। देसी घी है भाई। मक्खन में जिंदा तो यह खर्च कर। हाँ जी ये अंकल जी यहाँ काम करते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा खिला दिया हमें। हाँ दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा बताना अंकल क्या क्या था? आलू कांदा का साग, मंगोड़ी का साग, बेसन गट्टा का साग, कढ़ी दाल, मक्का की रोटी, बेसड़ की रोटी, गेहूँ की रोटी, मोट बाजरा खिचड़ो, चावल, मालपुआ, पापड़। राम राम साहब। राम राम साहब। भाई साहब इस बार हमने ख़त्म कर दिया सब।
पिछले बार सोच रहे थे कैसे खाएंगे। मैंने अपनी बार भी नहीं खत्म किया भाई, आज भी नहीं खत्म कर पाया है। बस हम दोनों को और करवा दो यार, मैं लेट जा कस्टमर का ऐसे रखता हूँ। अरे उठा ना जी, बाद में ले लेंगे। तो देख के स्माइल कर, ये बन गया बेटा चाय का कुल्लर गिलास। ये सही बनाया अभी सोचा था आपको बाय करके हम यहाँ से निकलेंगे, पर इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, ये बारिश ने फिर हमें रोक दिया आज। अब मुझे लग रहा रात भर यहीं रुकेगी, और इतनी गजब वाले वो बादल गरज रहे हैं ना, बिजली चमक रही है। मंडे की छुट्टी लगता है, एक घंटे से पहले बारिश रुकेगी। टाइम क्या हो गया? 11:30 बताओ, 11:30 हो गए, अभी तक हम यहीं पे चौकी धानी में, आधे घंटे का रास्ता और अपने ऑर्डर तक। सुबह 5 बजे हमने निकलने की सोचा हुआ नोएडा के लिए। ये देखो कितनी तेज हो गई, तेज होएगी भाई, एक तो फायदा नहीं निकलने का, तेज हो गई। आज लगता है यहीं पे खाट पे सोना पड़ेगा। ये तो लंबा भी पै गया, दिख रही है हाँ दिख रही है। बाइक के कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, गाड़ी का ये फायदा कभी भी कहीं भी निकल जाओ, बाइक में सोच समझ के जाना पड़ता है। अब हम निकल रहे हैं, बारिश में जैसे तैसे निकलेंगे, पर अपनी मेहनत को यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। बाय बाय गाइस, हम अपने रूम में आ गए, पूरे रास्ते भीगते हुए आए हैं हम चौकी धानी से निकल के, और बढ़िया मज़ा आया वहाँ पे। इस बार हम बिल्कुल टाइम के साथ घूमने गए थे, टाइम लगा के आए हैं, लास्ट में निकले बिल्कुल, हम तीनों जाने थे लास्ट में, और पूरे भीग गए कपड़े, देखो कैसे सूख रहे हैं। जहाँ जगह मिल गई हमने कपड़े सूखने को डाल दिए हैं। आप भी आना चौकी धानी, बहुत ही सही जगह है, काफ़ी सारी राइड्स कर ली हमने और सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके जाना यार। हाँ सारी चीज़ें इतनी सस्ती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है, कॉस्टली बिल्कुल नहीं है। कैमल राइड, हॉर्स राइड, छोटी छोटी गेम्स भी है, छोटी छोटी गेम्स, बॉलिंग करो और क्या वो डार्ट गेम, बहुत चीज़ें हैं करने को, जो आपको बाहर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी, या 5-10 rupees ही पड़ती है। फैमिली के साथ आओ, दोस्तों के साथ आओ, जैसे मर्जी आओ, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। चलो गुड नाइट, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।